शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तुमने फैसला कर ही लिया यहाँ से जाने का? पक्का ना? हमेशा के लिए मेरे घर से कट रही हो ना? बाद में अपना इरादा तो नहीं बदल दोगी? चलो मैं तुम्हारी मदद ही कर देता हूँ। मैंने आपसे मदद मांगी क्या? नहीं ना। तो फिर रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। ऐसे कैसे? तुमने मेरी इतनी मदद की है, रोशनी को मेरी जिंदगी में लेकर आई हो। अब तुम्हारी इस घर से विदाई में मैं तुम्हारी पूरी मदद करने वाला हूं। सॉरी, वो गलती से गिर गई। फोटो कोई अलमीरा में रखता है क्या? ना, ये दे दीजिए, इसे मैं ठीक से रख दूंगी। किसी भी लड़की के अलमारी के कपड़ों में आप ऐसे छानबीन करेंगे, किसी शरीफ घर के लड़कों की निशानी है क्या ये? वो मैडम शरीफ, तब तुम्हारी शराफत कहाँ गई थी जब मेरे रूम में घुसी रहती थी हमेशा? एक फोटो के लिए टशन दिखा रही हो मुझे? आपके लिए सिर्फ ये एक फोटो होगी, मगर मेरे लिए ये मेरी पूरी जिंदगी है। क्या कुछ कहा गया? क्या मन ही मन में बड़बड़ाती रहती हो तुम? अब जब मैं यहाँ से जा रही हूँ तो मुझे शांति से जाने दीजिए। क्यों परेशान कर रहे हैं आप मुझे? अकेले क्यों छोड़ देते आप मुझे? हाँ, खुशी से, बस वापस लौट के मत आना। जब आप लोग यहाँ से गए तब तो साथ साथ गए थे, और जब वापस लौटे तब अलग अलग आए, और आने के बाद आप दोनों के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। आप हमें बताएगी कि क्या हुआ है? तनुजा, हमें ना घबराहट हो रही है। बताइए ना, आप श्रद्धा को लेकर कहाँ गई थी? आखिर मेरी किस्मत रंग के ही आई, क्या पत्ता फेंका है। अभय से इसका पल्ला अब छूटने वाला है। श्रद्धा, ये सामान बांधकर तुम कहाँ जा रही हो हमको बिना बताए? श्रद्धा, आपको अभय ने कुछ कहा है क्या? आप तो उनकी हालत जानती है ना, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं वो। अनुज भैया यहाँ नहीं है, इसीलिए अभय के पंख कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहे। दो डंडे हमारे हाथ से खाएगा ना वो, फिर जमीन पर आएगा। किसी ने कुछ नहीं कहा मुझसे, ये फैसला मेरा है। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। क्या कहा तुमने? तुम ये घर छोड़कर जा रही हो? तुम अपने पति को छोड़कर चली जाओगी? अपनी इस बुआ को छोड़कर चली जाओगी? श्रद्धा बेटा, आपने इतने साल संयम रखा, अब क्यों हार मान रही हैं आप? दो साल तक हम आपको बोलते रहे,
कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाइए, चले जाइए यहाँ से, तब तो आप नहीं मानी। और आज हमें पता है इस घर में एक ही इंसान है जिसके कहने पे आप इतना बड़ा फैसला ले रही हैं। नहीं सुधरेगी ना आप, कभी नहीं सुधर सकती भाभी। बोलिए, ऐसा आपने क्या कहा श्रद्धा से कि वो अपना सामान बांधकर अपना ही घर छोड़कर जा रही है? बताइए भाभी। मैंने कहा ना, ये फैसला मेरा, सिर्फ मेरा फैसला है ये। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने सुहाग की खुशी के लिए कर रही हूँ। हमारी किस्मत की लकीरों का साथ यही तक था। अब उनकी खुशी, उनकी किस्मत रोशनी के साथ जुड़ गई है। कीर्ति, तूने सही कहा था, मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए था, मगर देर ही सही, मैंने अब ये फैसला ले लिया है। इसलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूं। भाभी प्लीज प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती भाभी। नहीं भाभी, आप ही संभालो खुद को। अपने भैया की खुशियों के बारे में सोचो आरती। बस श्रद्धा, बहुत हो गया है नाटक। त्रिपाठी निवास तुम्हारा भी घर है, तुम इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। वरुण जी, मैंने अपना फैसला ले लिया है और हम सब अभय की भलाई ही चाहते हैं, इसीलिए मेरा यहां से चले जाना ही बेहतर। मुझे जाने दीजिए वरुण जी, मेरा बैग छोड़िए। हे माता रानी, कहीं हमारे बेटे के मुंह में हमसे कोई अनर्थ ना हो गया हो। मेरा बैग छोड़िए वरुण जी, प्लीज। हाँ आंटी जी, आपने अभय के लिए जो कुछ भी किया ठीक किया है, उसका आज और उसका आने वाला कल, ये सब उसके लिए है, तो सब कुछ ठीक है। क्या हो गया, सबके मुंह तो ऐसे लटके जैसे बहू बेटी की विदाई हो रही हो। अरे ये तो किराएदारनी थी ना कभी तो इसे जाना ही था। मैडम किराएदार, ये रही आपकी आखिरी किश्त। ढाई लाख पूरे हो गए, अब हमारा हिसाब बराबर। शुक्रिया। श्रद्धा, शुक्रिया मैं भी कहती, पर ये क्या है,
उसमें अभय के पसंद नापसंद वो हर चीज जो अभय को अच्छी लगती है बुरी लगती है ये सब लिखा है इस लिस्ट में। अब इन सबका देखभाल तुम्हें ही करना है ना रोशनी। अभय का प्यार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है क्योंकि अब तुम हो। कभी भी उनका दिल मत दुखाना। कभी कभी जब अभय गुस्सा हो जाते हैं ना तो उनका गुस्सा बिल्कुल बिल्कुल सातवें आसमान पर चला जाता है। मगर तुम उन्हें प्यार से समझाओगी तो वो तुम्हारी हर बात सुनेंगे और समझेंगे भी। और अभय ने अगर कोई बात ठान ली ना तो उसे पूरा करके ही दिखाते हैं। बस अभय को ना सफाई करना बिल्कुल पसंद नहीं। वो अपने जूते बिल्कुल जमीन पे ही इधर उधर कहीं फेंक देते हैं जिससे कोई आता जाता तुरंत लड़खड़ा जाए। और जब भी वो नहा के निकलते हैं ना तो गीला तौलिया बिल्कुल बिस्तर पे ही पटक देते हैं। टेबल पर वो सामान भरते रहेंगे और जब उन्हें कुछ ढूंढना होगा ना तो खुद ही भूल जाएंगे कि उन्होंने वो सामान कहाँ रखा है। तो अब ये सब तो तुम्हें ही देखना होगा। रोशनी प्लीज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना श्रद्धा। तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारी जगह लेके शायद मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ पर मैं अभय से बहुत प्यार करती हूँ और जिंदगी में इतना सब खोने के बाद अब मुझ में अभय को खोने की हिम्मत नहीं रही। इस श्रद्धा की हिम्मत तो देखो, जाने से पहले भी रोशनी को अकेले में पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा रही। हम तो दूसरी औरत को घर से धक्के मार के बाहर निकाल देते और एक दीदू महान बनने चली है अपने रिश्ते की कुर्बानी दे रही है। सच में कीर्ति, घर छोड़ के चले जाना किसी बात का हल नहीं। हमने तुम्हारे हर फैसले में चट्टान की तरह तुम्हारा साथ दिया श्रद्धा और तुम अब हमको ही छोड़कर जा रही हो। मत जाओ ना। हम है ना हम सब कुछ ठीक कर देंगे। हम इनको भी सुधार देंगे। ये घर ये परिवार तुम्हारे बिना अधूरा है। मत जाओ श्रद्धा। मुझे जाना होगा। इस घर को आप दोनों को ही संभालना होगा एक साथ।
हो सके तो हमारे बीच की नोकझोंक को अपने दिल पर मत लगाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि वो आपको इस दुनिया की सारी खुशियां दे। मुझे क्या हो रहा है? मैं तो हमेशा से चाहता था ये यहाँ से जाए, तो अब ऐसा अजीब सा क्यों लग रहा है? अब और डर मुझसे नहीं सहा जाएगा। हाँ बेटा चलो। दीदू हम ही पहले आपको कह रहे थे आप यहाँ से चले जाइए, पर अब हम ही आपको कह रहे हैं कि मत जाइए। दीदू चलिए।
मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे सर पे हथौड़े से मारा हो। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रहा हूँ। इस दो मंजिले मकान को जिसने घर बनाया, जो इस घर की नींव थी, वो यहाँ से चली गई। अभी मैं करनी हूँ तो कभी बात नहीं करेगी। माफी तो इसे नहीं मिले। डॉक्टर हो ना तुम, इंसानों को ठीक करना धर्म है तुम्हारा, ना ही उनका घर तोड़ना। हमारी बहन तुम्हें इस घर में लेके आई थी अपने पति का इलाज करने, और आज तुमने क्या किया, उन्हें इस घर से बाहर निकलवा दिया। अरे कीर्ति, इन्हें बोलने से क्या होगा, क्योंकि श्रद्धा के जाने की असली वजह तो ये है। तनुजा, आपको अंदाजा भी है कि आपने किया क्या है? क्या क्या नहीं किया हमारी श्रद्धा ने इस परिवार के लिए, और अब देखो उसे क्या क्या सहना पड़ रहा है। इस बार हम उन्हें माफ नहीं करेंगे। नहीं पापा, ऐसा मत सोचिए। उस घर को छोड़ने का फैसला मेरा था, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। गलती हमारी नहीं है, ये तो श्रद्धा का ही फैसला था। और उसे मजबूर किसने किया? आपने भाभी, आपने। भूल गई आप कि आज आपका बेटा जो जिंदा है वो उसी बहू की वजह से। क्या आपकी आत्मा ने जरा भी नहीं कचोटा आपको? आपने ऐसी बात सोची तक कैसे? हाँ बताइए, कोई भी बात हमने नहीं सोची। अरे ये माँ अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे उसकी खुशी किसी और में ही क्यों ना हो। नहीं देख पाई मैं अभय को किसी और से प्यार करते। जिस दिल ने उनसे इतना प्यार किया, उस दिल से मुझसे ये नहीं देखा गया कि अभय मुझे भूल कर रोशनी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे। उनकी खुशी रोशनी में है, तुम्हें कोई क्या कर सकता है? तुम्हारी खुशी, तुमने सोचा जिंदगी में आगे तुम क्या करोगे? तू चल, अभी की अभी मेरे साथ चल। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।